आज जो आंकड़े बताते हैं पिछले दलित और खासकर अल्पसंख्यक मुसलमान भाई हर जगह पीछे हैं, चाहे वो नौकरियां हों, चाहे वो रोजगार हों, चाहे वो संस्थाओं में जहां उन्हें मौका मिलना चाहिए, हर जगह पीछे हैं। इधर जब से जाति जनगणना की बात आई है, जो कभी नारे लगते थे, आज हर समाज के लोग इस बात को कह रहे हैं कि जाति जनगणना हो और जाति के जो आबादी हो उसके हिसाब से हक और सम्मान मिले। सर, अभी आपने बात कही थी कि एक व्यक्ति आया और उन्होंने पूरी दी। देखिए, 5000 साल पहले जो जाति व्यवस्था आई उससे हमारे देश में और समाज में बहुत सी दूरियां बनी हैं। समय समय पर सोच लोगों को बदलने के लिए महापुरुष और बहुत सारे महत्वपूर्ण लोगों ने समय समय पर समाज को सुधारने का काम किया। और हमें उम्मीद है कि जिस समय समाज पढ़ा लिखा बनेगा, जातियां भी टूटेंगी। जिस समय समाज संपन्न होगा, हर जाति एक दूसरे के साथ मिलकर के खड़ी हो जाएगी। सर, क्या भारतीय जनता पार्टी मनुवाद की तरफ ले जा रही है? मनुवाद की तरफ भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहाँ ले जा रही है, आप भी बच के रहना। भारतीय जनता पार्टी कह रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहाँ ले जा रही है आप भी नहीं बचोगे, क्योंकि आप पे भी अटैक है। अभी सुनने में आ रहा है कि किसी अखबार ने इस बात को पब्लिक कर दिया कि किस चैनल को कितना सरकारी पैसा मिला है। सुना है वो ऐप से हटा दिया गया है, वो न्यूज ड्रॉप कर दी गई। तो सोचिए हम कहाँ जा रहे हैं, वो छोड़ दो, आप कहाँ जाओगे इस पे भी चिंता करो। आप जहाँ से वीआईपी कैंडिडेट रखते हैं दूसरी पार्टियों के, वहाँ पर सबसे पहले वो प्रत्याशी घोषित करेंगे और वहाँ पर सबसे ज्यादा उनका। तो सुनिए, नवरात आते ही हम भी वीआईपी सीटों में नाम अनाउंस कर देंगे। और अगर हमारे वीआईपी हारेंगे, उनकी रणनीति बना रहे हो, तो हम तो बहुत पहले पीडीए के साथ उनके वीआईपीओं को हराने की रणनीति बना चुके हैं। सर, मध्य प्रदेश जब आप चुनाव के लिए, सर चुनाव प्रचार के लिए कहते हैं, उसके बाद महिलाओं को, देखिए ये सवाल हमसे मत पूछो, महिला होकर के बीजेपी के खिलाफ लिखिए कि बीजेपी के लोग मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, सूची के बाद सूची आ रही है उनकी। अब बताइए महिलाओं को कितना आरक्षण दिया उन्होंने, क्या 33% आरक्षण दिया है जो सूची उन्होंने जारी की है? क्या राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने कार्यकर्ता अपनी नेताओं को देंगे उतना? समाजवादियों ने कहा है कि पिछड़े अल्पसंख्यक माताएं बहनें उनको शामिल किया जाए, और समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि जब चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग जरूर महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे।